हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आई आर फिट एंड फाइन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हरियाणा एडीओ में बीएससी नॉन ऑनर्स के स्टूडेंट जिन्होंने केस फाइल नहीं की उनको एलिजिबिलिटी मिलेगी या फिर वो फॉर्म नहीं भर सकते। इसके अलावा जो स्टूडेंट अब की बार पास आउट होंगे 2022 बैच की, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी की सारी गलती हरियाणा सरकार की है। अगर एक साइड हम बात करें हरियाणा सीईटी जो कि पिछले 2 साल से एक फॉर्म चल रहा है, आगे से अगर रजिस्ट्रेशन बढ़ा रहे हैं, और एक साइड यहाँ पे उन्होंने शुरू किया था 29 जून से 19 जुलाई, तो ऐसा मतलब कौन सा पार्ट टूट पड़ा कि न तो इन्होंने अपीयरिंग को अलाउ किया फिर ये स्टूडेंट एलिजिबल हो जाते, न ही इन्होंने एज सच कोई डेट एक्सटेंड की, और अभी तक डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, और एज पर माई ओपिनियन डेट अब एक्सटेंड नहीं होगी और बहुत जल्द एग्जाम भी होगा। और नॉन ऑनर्स के स्टूडेंट जो केस फाइल किया था वो तो अलाउ है कोर्ट की तरफ से, लेकिन उनको हरियाणा सरकार ने भी अलाउ नहीं किया है, एचपीएससी ने और ना ही कोर्ट ने। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप अपने कॉलेज से बात कर सकते हैं सो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा, कॉलेज की साइड से आपको कोऑपरेशन लेना पड़ेगा कि क्या हमारी जो डिग्री है ये एलिजिबल, आप ये लिख के दे सकते हो, अगर कॉलेज आपको सपोर्ट करता तो मैं भी आपको ये बाद में बाहर नहीं निकाल सकते। इसके अलावा जो लोग ये बोल रहे हैं कि एचपीएससी के आगे कुछ भी नहीं है कॉलेज, ऐसा नहीं है। जैसे जीबी पंत यूनिवर्सिटी जो है पंतनगर में, वो वन ऑफ द आई थिंक फर्स्ट यूनिवर्सिटी 1960 से, एंड उसको आईसीआर का एक्रेडिटेशन सबसे पहले मिला था। सो हम ये नहीं कह सकते कि ये बाहर है बिल्कुल। आप लोग अपना फॉर्म फिल कीजिए, अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो आप एक केस फाइल कर सकते हो अगेंस्ट हरियाणा सरकार। और 2012 में जो एडीओ लगे थे जिनका डिसीजन फाइनल आया 2015 में, उन स्टूडेंट को ज्वाइनिंग मिली थी जिनके पास बीएससी एग्रीकल्चर नॉन ऑनर्स था। एंड जो स्टूडेंट नॉन ऑनर्स की डिग्री रखते हैं प्लीज ये ना सोचे कि मैं आप लोगों को कंपटीशन बढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपटीशन बिल्कुल माइनर रहा है, एक पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट हैं, बस 700 पोस्ट बहुत है पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए। आपको सिर्फ अपने कंपटीशन पे ध्यान देना है, और जो स्टूडेंट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा कि कम कंपटीशन में जॉब ले सकता हूँ तो वो तो ऑलरेडी कंपटीशन से बाहर है। सो 700 पोस्ट आपको कल हम ये भी बता दें कितने, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट फिगर बताने की कोशिश करेंगे कितने फॉर्म भरे गए हैं। सो ये दोनों रास्ते आप चूज कर सकते हैं। जो पियरिंग वाले हैं प्लीज ट्राई कीजिए अपने, जैसे अचीविंग जो स्टूडेंट हैं तो प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यार एक तो इन्होंने खुद ने जून में इन्होंने पोस्ट निकाली तो ये अपीयरिंग भी कर सकते थे। अब लोग जिनको ये लग रहा है कि कंपटीशन बढ़ेगा, तो कितने स्टूडेंट हैं, 1000 स्टूडेंट ऑलरेडी हरियाणा 35% अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आगे से आगे स्टूडेंट को पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में लेके जाएंगे। हरियाणा सरकार वन ऑफ द ठीक है चलो जो भी है, तो आप प्लीज इनमें से कोई भी रास्ता चूज कर सकते हैं नॉन ऑनर्स के स्टूडेंट, और जो फाइनल ईयर में है वो अच्छे यू से भी सपोर्ट ले सकते हैं। और हरियाणा सरकार से अगर आप पॉलिटिकल व्यू से हम बात करें तो जैसे बीटेक वाले स्टूडेंट ने क्या था, तो इस टाइप के कदम आप भी उठा सकते हो, तो डेट एक्सटेंड हो भी सकती है लेकिन अभी तक चांसेस नहीं होगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।